नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 34 गोविंदगढ़ स्थित छोटी बिंदाल नदी, जो कि अब नाले का रूप ले चुकी है, अब ये नाला लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। हर बरसात में नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। इस बाबत लोगों ने इसके लिए कई बार प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराया, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी है। बार बार आ रही शिकायत पर मेयर सुनील उनियाल गामा और क्षेत्रीय विधायक हरबंस कपूर क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने नाले का निरीक्षण किया और लोगों की समस्या को सुना। साथ ही मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर जल्द समस्या के समाधान के आदेश दिए। स्थानीय निवासियों ने मेयर और विधायक को अवगत कराया कि नाले के समीप दो डेयरियां हैं, जिनका सारा गोबर नाले में जाता है, जिस कारण नाला चौक हो जाता है। मेयर ने निगम अधिकारियों को डेयरी स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। उत्तराखंड लाइव न्यूज के लिए देहरादून से अजय मित्तल की रिपोर्ट। जैसे कि हर बरसात में जो है ये क्षेत्र पूरा पानी से जलमग्न हो जाता है, और पूर्व में भी जो है माननीय विधायक जी द्वारा ये नाला सीधा कराया गया था। आप देख पा रहे होंगे यहाँ नाले की स्थिति, यहाँ डेयरी के गोबर से भी लोग परेशान हैं और पूरा नाला जो है गोबर से भर गया है। और इसकी शिकायत हमने विधायक जी से की थी, और विधायक जी ने और कल माननीय मेयर साहब ने यहाँ पर जो है अपना टीम के साथ पूरा दौरा किया। नगर निगम की टीम भी थी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पर आए थे, और इस समस्या को देखते हुए उन लोगों ने काफ़ी देर तक यहाँ सर्वेक्षण किया है और इस पर यह डिसीजन लिया है कि इसमें जल्द ही कोई रणनीति बना करके इसका निस्तारण किया जाएगा। किस तरह की समस्या आती है बरसातों में? बरसातों में जो है बरसाती पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है और पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है सबका जनजीवन यहाँ पर ना, और काफ़ी समय से ये चल रही है समस्या। अब क्या लग रहा है, कल अधिकारी आए तो कुछ समस्या का समाधान होगा? जी बिल्कुल, माननीय मेयर साहब ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है, विधायक जी ने भी जो है जितने संबंधित अधिकारी हैं उनको फटकार लगाते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। पानी की दिक्कत है और हम 30 साल हो गए और यहाँ पे हर साल सब आ जाते हैं कि हो जाएगा बंद हो जाएगा, कोई नहीं कराता। और हमारे घरों में बरसात का पानी, गंदा पानी, गोबर से भी हम बहुत परेशान हैं और ये गंदा पानी सारा भर जाता है घरों में जाके, हमारा बहुत नुकसान होता है। कल विधायक आए थे, हाँ वो बोल कर तो गए हैं कि करेंगे कुछ समस्या, लेकिन हो जाए तो तब है कुछ बात। क्या लगता है वो समस्या होगा समाधान? बोल के तो गए हैं अगर कर दें तो, नहीं तो हर बार सब आते हैं बोल के चले जाते हैं। 30 साल हो गए हमको तो ये परेशानी उठाते उठाते, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, सब आते हैं और बोल के चले जाते हैं। एक तो अतिक्रमण है जिसको हमारा भूमि अनुभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों इसका चिन्हीकरण करेंगे और सिंचाई विभाग वालों के साथ मिलकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे नाला पूरी तरह खुल पाए। नंबर दूसरा, उसमें जहाँ पे गोबर ज़्यादा है तो वहाँ पे दो डेयरियाँ हैं, एक दुर्गा डेयरी है और एक दूसरी डेयरी है, उन दोनों का सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ धारा 133 तथा एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 दोनों में उनका चालान भेज दिया गया है। इसमें प्रावधान ये है कि 5,000 रुपये का जुर्माना और 6 महीने की सजा भी हो सकती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि डेयरियाँ दोनों वहाँ बंद हो जाएं, जिससे वो नाले खराब ना हो। काफ़ी लंबे से परेशानी चली आ रही है, काफ़ी लंबे समय। देखिए ये परेशानी जनता की पैदा करी हुई है, लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है, नाला बिल्कुल बंद हो गया। पानी जाने के लिए जब बरसात होती है, देहरादून में वैसे भी बरसात बहुत तेज होती है, जब बरसात होती है तो पानी दीवार तोड़ के लोगों के घर में घुस जाता है। उसकी वजह दूसरी और भी है कि गोबर, कूड़ा, मलबा, सिल्ट इतनी ज़्यादा जमा हो चुके नाले में, नाले का लेवल ऊपर हो गया है, पानी जब भी बढ़ेगा वो सीधा लोगों के घरों में जाएगा। सफाई आदि के लिए हमने बरसात से पहले हम हर बार सफाई कराते हैं। पिछली बार भी हमने सफाई कराई, 263 ट्रॉली हमने वहाँ से मलबा व कूड़ा और गोबर निकाला है, जो भी एक रिकॉर्ड है। तो फिर इस बार फिर हम अभी जब जनवरी में टेंडर करेंगे इसका, तो हम प्राथमिकता पर पहले वो नाला साफ कराएंगे। बेहतर यह है कि वो अतिक्रमण हट जाए और नाला साफ हो जाए तो लोगों को राहत मिलेगी। अभी के लिए बस इतना ही काफी, बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।